मथुरा प्रशासन में जुम्मे की नमाज कराई। अपनी निगरानी में मथुरा प्रशासन ने बगैर आधार कार्ड देखे नहीं जाने दिया ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा प्रशासन दिखा बहुत ही अलर्ट। मथुरा ईदगाह मस्जिद पर जुम्मे की नमाज होने के बाद पुलिस प्रशासन ने ली चैन की सांस। आज मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जुम्मे की नमाज मुस्लिम समाज के द्वारा संगीनों के साय में अदा की गई। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विग्रह स्थापित एवं जलाभिषेक की घोषणा करने और बाद में स्थगित करने को लेकर मथुरा का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया और सभी नमाजियों को आधार कार्ड दिखाकर शाही मस्जिद में प्रवेश दिया गया। इस नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया और पूरे ईदगाह पर सर को छावनी में तब्दील करते हुए सभी लोगों की सघन चेकिंग की गई। नमाज अदा होने के बाद मुस्लिम समुदाय की लोगों ने द्वारा मथुरा के पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार जताया गया, जिससे लेकर मथुरा के एसपी सिटी एमपी सिंह और सीओ सिटी अभिषेक तिवारी काफी गंभीर नजर आए। सर आज ओके आज की नमाज को लेकर सर शासन की क्या तैयारियां रही? आज का नमाज सकुशल संपन्न हुआ है, इसके लिए प्रशासन और यहाँ मथुरा की जनता सभी साधुवाद के पात्र हैं और सभी सुरक्षा के इंतजाम भी हमारे द्वारा किए गए हैं और मैं जनता का धन्यवाद दूंगा कि इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज की नमाज सकुशल संपन्न हुआ। सर जो जिस तरह के जो बयानबाजी आई उसके बाद जो इस तरह से नमाज का आह्वान, या इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये देखिए, जो सोशल मीडिया पे कुछ बयान आए उनको ट्रेस आउट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा और उन पर कार्रवाई भी की गई। जनता में भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का इस्तेमाल किया गया, बढ़ाया गया, जनता के साथ मीटिंग्स की गई, पुलिस की पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाई गई, तो उन सभी का पॉजिटिव परिणाम रहा कि लोगों को प्रशासन में कॉन्फिडेंस रहा और लॉफुल कार्रवाई में हम करने में जो भी है हम सफल। सर कुछ लोगों की शिकायत ये भी थी नमाज से पहले गेट बंद कर दिए गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, जब भी सभी लोगों का स्वागत करते हुए पुलिस ने सबको अंदर जाने दिया है, ऐसी कोई शिकायत नहीं। आज जो जुमे की नमाज अदा की गई है इसके बारे में बताएं कैसा आज? ऐसा है, जुमे की नमाज तो बहुत हमारी अच्छी तरह हुई है और शांति व्यवस्था सही है, स्वागत के साथ सहयोग होया, सभी भाई जितने भी हमारे शांति व्यवस्था नमाज पढ़ी और आगे भी यही चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे और सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और हम तो सरकार का भी जिम्मे सोच रहे थे जुम्मा होगा नहीं होगा, तो हमने देखा शासन का बहुत बढ़िया इंतजाम है और बढ़िया जुम्मा हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ, तो आप शांति शांति अमन का कहना देना चाहते हैं कि सर शांति व्यवस्था बनाए रखें और शासन में भरोसा शासन में भरोसा करें जिससे कि आगे कोई बात नहीं है और अभी हमसे यही दुआ करते हैं सबसे कि अपने मथुरा में एन समन में हमारे मथुरा के हिंदू भाई हमारे सब एक है और कोई यहाँ पर लड़ाई जाकर नहीं चाहता, सब एकता चाहते हैं तो भारतीय जनता के लिए नगरी चल रही है और हम तनावों में भर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब हमारे भाई चाह रहा है मथुरा के वो बना रहेगा इन शाह और सभी भाइयों से मिल जाए आप भी बनाए रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर आज जुमे की नमाज ईदगाह पे पढ़ी गई, इसके विषय में जैसे कि माहौल बिगाड़ने के लिए जो बयानबाजी हो रही थी इसके क्या कहेंगे आप? कुछ असामाजिक तत्वों ने मथुरा जैसे स्वाद की नगरी का शांति बनाने का प्रयासपल प्रयास किया है, जिसको यहाँ के हिंदू मुस्लिम समुदाय और प्रशासन द्वारा सहयोग लेकर के अमन शांति कायम रखा गया, प्रशासन की मेहनत बरकरार बनी रही, दोनों धर्म के लोगों से संपर्क किया गया और जो लोग गलत से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई वो पूरी होनी चाहिए, मगर ये चुनाव का मुद्दा है और कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ का वोट पीटता की मिसाल है, यहाँ का मथुरा का संदेश पूरे विश्व में जाता है, प्रशासन को और सबसे अपने स्वाद को कायम करने के शांतिपूर्ण जो माहौल रहा आपको नमाज अदा की कैसा लगा? मथुरा नगरी तो स्वार्थ की नगरी है, हमेशा शांतिपूर्ण माहौल रहता है, सभी धर्मों के लोग मिलकर आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा जाता है। कि जो लोग इस शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि मथुरा हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे यहाँ के बाशिंदे हो, उन्होंने कभी भी मथुरा की फिजा बिगाड़ने नहीं दी और ये भाईचारा आपसी जो कायम है कुछ जो लागते हैं वो चुनाव आप चुनाव भाई
2022 के चुनाव में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन मथुरा की जनता उनको पूरी तरह से नकार दिया है। जैसे कि आज जो जुमे की नमाज प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई? प्रशासन ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी व्यवस्था की है और ये उनका काम है, हमें उस लोग आपत्ति भी नहीं थी और नमाज भी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई और सब लोग नमाज पढ़ के अपने घरों में चले। क्या संदेश देना चाहेंगे मथुरा की जनता और देश की जनता को? देखिए मथुरा की नगरी धार्मिक नगरी है, हमेशा अमन चैन कायम रहे, अफवाहों पर ना आए और किसी के विरुद्ध फेसबुक सोशल मीडिया पर अगर प्रचार ना करें, टीका टपली ना करें, उकसावे में नहीं आए, भाईचारा कायम रहे और हमेशा रहेगा मथुरा में। तो मथुरा में तो ये हाल है कि अगर ईद की नमाज है तो हिंदू समाज के लोग गले मिलते हैं, खड़े होकर, और होली होती है तो मुस्लिम समाज के लोग भी साथ में जाते हैं, और जन्माष्टमी के पर्व पे मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जो भंडारे लगाते हैं। तो ये संदेश तो ऐसा है, आज उनको मालूम ही पड़ गया होगा कि उनके नापाक इरादे मथुरा में तो कामयाब नहीं होंगे। सर आपका नाम क्या है पहले? मैं डॉक्टर अबरार हुसैन, उप सचिव शाही मस्जिद का कमेटी। सर जैसे कि आज जो नमाज अदा की गई और 6 दिसंबर को लेकर फेसबुक सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, और आज प्रशासन द्वारा जो नमाज कराई गई इसके बारे में कैसा? आज योगी राज श्री कृष्ण और स्थान की इस नगरी में हमारे सभी मुसलमान भाइयों ने यहाँ बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में, सौहार्द के वातावरण में नमाज जुमा अदा की है और जिला प्रशासन ने भी जो व्यवस्थाएं की उसमें भी हम सब लोग का बहुत सहयोग रहा है। शाही मस्जिद का कमेटी और तमाम हमारे ऐसे लोग भी हैं, हिंदू समाज के हमारे भाई हैं जो आज के इस पूरे कार्यक्रम में, उन लोगों ने भी हमारी बड़ी सहभागिता करके आज यहाँ इस चीज़ की नमाज को करवाने में बड़ा सहयोग प्रदान किया है।